हो जाएंगे। आज तारीख क्या है दुबे जी? तारीख 12 जी, टिकट 15, मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख को टिकट घोषित कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी। कल भी हमारी मीटिंग चल रही थी, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। 15 तक आचार संहिता भी आ जाएगी? हाँ, जाने दीजिए विजय जी, आचार संहिता भी आ जाएगी, पर एक सवाल तो बनता है आज भारतीय जनता पार्टी के से, और वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरे अपना पहले क्लैरिटी दीजिए ना कि टिकट नहीं घोषित हो रहे, पहले तो बताना पड़ेगा। दूसरी लिस्ट आई है बीजेपी, सवाल नेक्स्ट पूछिएगा। नहीं नहीं ब्रजेश जी, आज भी दूसरी लिस्ट आई है और बहुत जल्दी अब तीसरी लिस्ट आएगी, उसमें उत्तर प्रदेश के सारे नाम आ जाएंगे। नहीं दुबे जी पूछ रहे थे, कोई कठिनाई है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे? नहीं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। आप उनको बोलने दीजिए। देखिए, समन्वय समिति की भी मीटिंग लगातार चल रही है, कल भी एक मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो एक मीटिंग होती है, जो सेंट्रल इलेक्शन की, जो वो भी कल हो गई है, और उसके बाद तुरंत आपको नाम घोषित कर दिया जाएगा। पर जब 17 में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, 17 सीटों पर, तो कहीं 80 में लड़ते तो चुनाव बीत जाता और शायद कैंडिडेट ना आते। नहीं, किसने का प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? प्रत्याशी भी मिल रहे हैं और लिस्टें भी आ रहे हैं, दो लिस्ट आ चुकी है। नहीं नहीं, सवाल तो एक ये बनता है कि आज एक एमएलसी के चुनाव जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या कमी है लिस्ट में? नहीं, ये जो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम जो लागू कर रहे थे, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 33% आरक्षण की, और उसके लिए परसीवन का इंतजार कर रहे थे, पर आज जब एमएलसी बनाने की बात आई, अपर हाउस की बात आई, तो कहाँ है नारियां? कोई लिस्ट में नारी है तो आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, तो एक बात का जवाब दीजिए, अमन मणि त्रिपाठी जी कौन है? नहीं, अमन मणि त्रिपाठी जी तो ठीक है, लेकिन नारियां कहाँ हैं ये तो बताएं। कौन है? इतना सज्जन, उनको लिया कांग्रेस में आपने? अमन मणि को, अमन मणि पे क्या चार्जेस हैं पता है आपको? अरे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी पे तो एक से एक लिस्ट। फिर नारी शक्ति की बात कहाँ? अंत में तो जीत इम्पोर्टेंट है, आपको लगा विनिंग कैंडिडेट मिलेगा। नारी शक्ति पर ये सवाल तो पूछने दीजिए कम से कम। अमन मणि त्रिपाठी ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी हम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी है, और लंबी इतनी हो जाएगी जिससे पूरी डिबेट आपकी उसी। तो आप क्या, तो लोग वैसे ही आप ही तो ले रही पार्टी में, वरना त्रिपाठी जैसे लोगों क्या काम कांग्रेस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए पहले कि पहले किस पार्टी में थे, ये भी तो बता दें। अब तो आपके यहाँ है ना, अविनाश पांडे लिपट के फोटो खींचाए थे। देखिए जी, आपके मुंह बंद किए, रुक जाओ, हाँ बोलिए आप। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कहाँ है अब? खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपर हाउस में ना इनके पास कोई योग्य महिला बची है, ना इनके पास कोई योग्य पत्रकार भी मिली। अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, इन्होंने योग्य पत्रकार की बात की, योग्य महिलाओं मतलब योग्य पुरुषों की बात की, युवाओं की भी बात की, पर महिला इनके पार्टी में ना कोई है, ना कोई चेहरा है, ना कोई योग है, ना कोई युवा बचा है, ना कोई पत्रकार बचा है। अच्छा, आपने इतनी बड़ी स्पीच दे दी, पर हमारे दोस्त अरुण राजभर को एक बार भी बधाई नहीं दी। नहीं, इनको बधाई दे रहे, पर उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आप ये पीला गमछा पहन के न्याय दिलाएंगे, बाकी सब सबका क्या होगा? देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है। बेचारे थाने हैं, और थाने गए थे, वही तो कह रही हूँ कि आप अपनी पार्टी की महिला को जिसकी हत्या हो गई, पार्टी ने इंतजाम कर दिया। नहीं नहीं, जिसकी हत्या हो गई उसको न्याय दिलाने के लिए पीला गमछा पहनना पड़ रहा है, ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति और महिलाओं का न्याय, वहां से भी इनको चले आना पड़ा।
और वो भी कैसे? आप लोग को नहीं पहुंचने आ